हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास फोर्थ EVS, अ रिवर्स ट्रेल, नदी की कहानी। इसमें एक पिक्चर्स शो की गई हैं और उसके नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। इनकी हेल्प से आपको एक स्टोरी बनानी है। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जब नदी ये पहाड़ से निकल रही है, पहाड़ों से जब ये नदी निकलती हैं तो नदी का पानी बहुत साफ दिखाई दे रहा है और इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। आसपास पेड़ भी हैं और नदी का पानी बहुत साफ है। जैसे ही नदी गांव की तरफ आती है तो गांव के लोग इस पानी का यूज़ करते हैं और इस नदी के पानी में ही पशुओं को नहला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। तो इससे जो है नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है। और जैसे ही ये नदी शहरों की तरफ आती है तो शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो भी नदी के अंदर ही बहा दिया जाता है। और जो शिप चलते हैं उनका ऑयल भी पानी के अंदर ही मिल जाता है। तो इससे जो है नदी का पानी और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है और उससे स्मेल भी आने लगती है और पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस गंदे पानी से मछलियाँ जो है मरने लगती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब नदी जो है पहाड़ों से निकलती है तब उसका पानी बहुत साफ़ सुथरा होता है और जैसे जैसे वो हमारे पास आती है, गांव में आती है, शहरों में आती है, तो उसका पानी बहुत गंदा हो जाता है और फिर उसी पानी को जो है हम साफ़ करके पीते हैं। तो हम खुद ही पानी को गंदा कर रहे हैं और खुद ही को फिर उसे साफ़ करने के लिए तरीके ढूँढते हैं। तो इस पिक्चर पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ द रिवर वेयर इट बिगिंस? जहाँ से नदी शुरू होती है वहाँ तब पानी का कलर कैसा होता है? तो पानी का कोई कलर नहीं होता, बेसिकली पानी, वाटर इज़ कलरलेस, बट व्हेन यू विल सी अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस इट विल अपीयर ब्लूइश। जब हम दूर से देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं, तब हमें पानी का कलर ब्लूइश नज़र आता है। At some places there are many fish in the river. At other where are only a few and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. So fish need fresh water. Fish को जो है fresh water की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर पानी polluted नहीं होता, जहाँ पर गंदा पानी नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। और जहाँ पर पानी गंदा हो गया है, जहाँ से dirty smell आने लगी है, polluted हो गया है पानी, तो वहाँ पर मछलियाँ मरने लगती हैं। पोल्यूटेड वाटर कौन सा होता है? पोल्यूटेड वाटर होता है जब पानी के अंदर कोई गंदगी मिक्स हो जाती है तो उससे पानी का कलर चेंज हो जाता है और पानी पीने लायक नहीं रहता, तो वो वाटर पोल्यूटेड कहा जाता है। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रिचेज द विलेज? रिवर के गांव में पहुंचने से पहले क्या दिखाई देता है रिवर में? सो इन द रिवर लार्ज नंबर ऑफ फिश कैन बी सीन बिफोर इट रिचेज द विलेज। आप देख सकते हैं जब तक विलेज में आने से पहले इसके अंदर बहुत सारे फिश हैं। एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज? Why did this happen? Discuss. So the color of river changes near the villages and towns. Why did this happen? ये कैसे change होता है? The change in the color of river water is mainly due to pollution. Pollution की वजह से ही पानी का color change होता है, which is being created by people by throwing their waste into the रिवर। और ये पानी को कौन गंदा करता है? हम जैसे लोग ही पानी को गंदा करते हैं, जो पानी के अंदर डर्टी थिंग्स या डस्ट जो है डालते हैं, जिससे पानी पोल्यूटेड हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? व्हाई? सो ये जो पिक्चर शो की गई है इसमें आप कौन से प्लेस पर रहना चाहेंगे? सो obviously you would like to live in the places which are not polluted in order to live a healthy life. हम वहीं पर रहना चाहेंगे जहाँ पर पानी polluted नहीं है।
वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, आप कुछ चेंज करना चाहेंगे पिक्चर में. सो यू वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बैंक्स एंड वाटर ऑफ द रिवर, बिकॉज ऑफ दीज वेज रिवर वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड. हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इन टू द रिवर्स और वाटर बॉडीज, क्या आपने लोगों को फेंकते हुए देखा है रिवर में या पानी वाटर बॉडीज में डिफरेंट थिंग्स को. सो बहुत सारे लोग जो है गंदगी फैलाते हैं, नदियों में वेस्ट डालते हैं, वाटर बॉडीज जो इतनी भी होती हैं, सी, लेक, पोंड, वेल, तो उनके अंदर गंदगी फैलाते हैं जिससे पानी पोल्यूटेड हो जाता है. वट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, रिवर्स को क्लीन रखने के लिए क्या किया जा सकता है. तो आजकल हमारी सरकार भी जो है नदियों को साफ़ रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं. तो एक तो ये खुद की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रिवर को जो है गंदा होने से बचाएं, उसे गंदा ना करें, खुद से हम ऐसा कुछ वेस्ट ना डालें उसके अंदर जिससे कि पानी पोल्यूटेड हो. इफ़ यू वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, अगर आप पानी पीना चाहते हैं कुछ तो नदी के किस पार्ट से आप पानी पीना चाहेंगे. सो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर एट द अपर रिचेज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिवर, जहाँ से नदी की बिगनिंग हो रही है वहाँ से हम पानी पीना चाहेंगे क्योंकि वहाँ का पानी फ्रेश है और साफ है. इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इन टू द सी, हैव यू एवर सीन द सी, वेयर, इन अ मूवी और समवेयर एल्स. द लास्ट पार्ट में नदी जो है वो समुद्र में आकर गिर जाती है. हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं वो अलग अलग राज्यों से होते हुए समुद्र में ही जाकर गिर जाती हैं. तो आपने कभी किसी सी को देखा है, किसी समुद्र को देखा है, तो कहाँ देखा है. हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी, वेन, क्या आपने किसी नदी को देखा है, तो कब देखा है और कहाँ देखा है. शो योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव, तो जो सी के अंदर वेव्स होती हैं वो कैसे होती हैं, अप एंड डाउन. इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई, जो सी का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, क्या वो पीने लायक होता है. नो, सी वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ सॉल्टी, क्योंकि वो नमकीन होता है इसलिए पीने लायक नहीं होता. Do you think that there would be changes taking place in a river, pond or stream at different times of the year? What kind of changes would these be? So yes, there would be changes taking place in a river, pond and stream at different times of the year. What kind of changes would these be? During the rainy season, the level of water in a river, ponds or stream is at its maximum. Rainy season में बारिश की वजह से पानी का level बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो उससे पानी का लेवल कम हो जाता है. विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन और इन समर. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम इज एट इट्स मैक्सिमम. वाटर इन द रेनी सीजन विल बी मोर देन इन समर, गर्मी के बजाय सर्दी रेनी सीजन में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर का लेवल ज़्यादा होता है. इज़ देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी, फाइंड आउट. आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स. तो अभी जैसे हमने बात की कि समर में वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, रेनी सीजन में इंक्रीज हो जाता है, और विंटर्स में लेवल मिडल रहता है. What are the different kinds of water animals found there? So there are several kinds of fish found there. A few of them are rohu, katla, etc. They are of various sizes. What kind of trees and plants go around it? Mainly grasses grow around it. What are the kinds of birds that come there? Eagle, crow, swan, etc. come there. Have you ever seen or read about floods? Where? Yes, I saw flood in Bihar. Bihar में आप ने सुना हो तो हर साल वहाँ पर flood आती है, बाढ़ आ जाती है. इसके आगे हम next video में continue करेंगे. Thank you.